घाघरा प्रखंड बीस सूत्री सदस्य कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अरुण पांडे, अगस्टिन महेश कुजूर एवं बीस सूत्री समिति सदस्य शीला कुजूर, सरोजनी किरण मिंच के साथ पुटार ग्राम के ग्रामीणों ने विद्युत अनुमंडलीय कार्यालय घाघरा पहुंच विद्युत बिल माफ करने की मांग रखी। ग्रामीणों ने विद्युत अनुमंडलीय कार्यालय घाघरा के एसडीओ राजेश कुमार से मिलकर गांव में शीघ्र विद्युत आपूर्ति बहाल करने एवं बिल माफी की मांग को लेकर आवेदन दिया। आवेदन में पुटार ग्राम के मंती देवी, कलेश्वर मुंडा, ललिता देवी, स्वरूपा देवी, महेश मुंडा सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि हुटार ग्राम में जब से बिजली कनेक्शन किया गया है तब से बिजली विभाग की तरफ से कोई देखरेख नहीं हो रहा है और हमारे गांव का ट्रांसफार्मर विगत 3 साल तक खराब था। हम ग्रामवासी अंधेरे में रह रहे थे, फिर हम लोग ने चंदा करके ट्रांसफार्मर नया खरीद लाए, फिर भी कम बिजली जलने के बावजूद इतना ज्यादा विद्युत बिल दिया गया है जिसको चुकाने में हम सक्षम नहीं है। विद्युत विभाग दिए गए बिजली बिल की माफी कर गांव में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की जाए। इस संबंध में विद्युत विभाग के एसडीओ राजेश कुमार ने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने की अवधि के विद्युत बिल माफी हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए विभाग को प्रतिवेदन अग्रसारित करते हुए शेष बिल भुगतान की बात ग्रामीणों से की गई है। घाघरा गुमला से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। बिजली विभाग की लापरवाही मनमानी नहीं चलेगी। जिस तरह से हुटार ग्राम का जनता ने हम लोगों के बीच एप्लीकेशन दिया है और 3 साल से वहाँ बिजली गुल थी, उसके बाद ग्रामीणों ने अपने से ट्रांसफार्मर लगवा के बनवा के और उसके बाद बिजली बहाल करवाया, उसके बाद बिजली विभाग ने 3 साल के बाद जाके वहाँ का ग्रामीणों का लाइन काट दिया है और इस तरह से बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। बिजली विभाग वहाँ के ग्रामीणों से जाके मिले और वहाँ लाइन बहाल करे जल्दी से, अन्यथा हम लोग सब मिल के पूरा कमेटी मिल के कांग्रेस कमेटी या जितने भी हम लोग समाज सेवी हैं सब मिल के बिजली विभाग में हम लोग ताला लॉक करेंगे। हमने उनका आवेदन ले लिया है और इसको आगे उच्चतर कार्यालय में भेज के उनका हम बिल करेक्शन करवा रहे हैं। लगभग 4,000 रुपये के आसपास इनका बिल जो है वो जले हुए अवधि में माफ़ होगा और उसके बाद का जो बिल है ये पार्ट पेमेंट करेंगे और भुगतान करके अपना लाइन जलाएंगे।